इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि पंचकुला की सीजेएम कोर्ट में किया गया आईएएस विजय दहिया को पेश। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोर्ट ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विजय दहिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि डीएसपी वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में एंटी करप्शन ब्यूरो पंचकुला की टीम ने आईएएस विजय दहिया को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि काबिले जिक्र है कि हरियाणा रोजगार कौशल निगम में बिल पास करवाने के एवज में रिश्वत लेने की आरोपी पूनम चोपड़ा को हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। उससे रिश्वत में 5 लाख रुपए पकड़े गए थे। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विजय दहिया को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे। आपको बता दें कि पंचकुला के सीजेएम कोर्ट में आईएएस विजय दहिया को पेश किया गया है।